तक पहुंचाएंगे। सिर्फ मसले नहीं मजहब दीन के, एक शब्द आएगा आईन। मैं मीडिया के साथियों को, खासतौर से हिंदी मीडिया के साथियों को बताऊं, आनी आईन का मतलब है संविधान का, कानून का। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि सिर्फ मसले नहीं मजहब दीन के, तुम तकात हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वो पीछे खड़े हैं, मैं भी देख रहा हूं, आप भी शामिल होइए, क्योंकि सब मिलकर आवाज लगाए तो कुछ चांद पर रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, आपको भी साथ देना है, वहां के खड़े होने भी साथ देना है। कैसे मसले नहीं मजहब दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। क्या ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, हमें शाहजाद कहते हैं डरिए मत, अरे मोटा भाई आपका छोटा भाई आपसे पूछता है। ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, तेरे इस झूठ के डर के व्यापार को, तेरी रफ्तार को, जुल्म की धार को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, के सियासत तेरी साजिश हर तरफ, हम मिटे बस यही ख्वाहिश हर तरफ, पहले पानी बरसता था पर आजकल खून ही खून की बारिश हर तरफ, के हम तलाशों का मातम मनाते रहे, तुम सियासी बिसाते बिछाते रहे, खून के कत्ल गारत के बाजार को, हमसे बस सब्र ही के तलबगार को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और मेरे भाई बहुत लंबा सा सफर तय करके आगे जाना है, मुझे बुखार था लेकिन सिवान में ये गर्मी है कि ये बुखार उतार देता है, अच्छे अच्छों का मदद करूंगा, पसीना हुआ कि बुखार उतर गया, हालांकि आपकी मोहब्बतों ने मेरा बुखार उतारा है, वरना सीवान को कई अलग तरह से बुखार उतारता रहता है। सलाम है आपकी मौजूदगी को, मैं चार मित्र आखिर में पढ़ देता हूं, कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, मेरी सांसों में जो
ये पूरा सिवान बोल रहा है, मेरी सांसों में चलती बारूद तो भर सकते हो लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। वो पासपोर्ट जिसको लेकर के जब मैं लंदन में उतरता हूं तो अंग्रेजी हुकूमत मुझे कहती है कि आप भारत गणराज्य के नागरिक हैं, अंग्रेजी हुकूमत मानती है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में उतरता हूं तो अमेरिकी हुकूमत मानती है कि मैं भारत गणराज्य का नागरिक हूं, वो पासपोर्ट तय करता है। लेकिन अमित शाह साहब का कहना है कि वो पासपोर्ट भी आपको भारत का नागरिक साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि कैसी सरकार है और उसकी सोच क्या है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो भैया मेरे ये बताओ कि जो आधार कार्ड नागरिकता नहीं साबित कर सकता, क्या वो जियो का सिम खरीदने के लिए बनवाया था आपने? देश को सवाल पूछना पड़ेगा। जिस तरह इन्होंने नोटबंदी करके पूरे देश को लाइनों में लगा दिया, उसी तरह से इनका सपना है कि एक बार फिर ये लाइनों में लगाएंगे। हजारों हजार करोड़ का घोटाला होगा, हजारों हजार करोड़ रुपए बाबुओं की जेब में जाएंगे आपके सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंट बनवाने में। ये सरकार आपकी सरकार नहीं है, ये सरकार आम आदमियों की सरकार नहीं है, यहाँ सरकार किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की नहीं है, ये सरकार उद्योगपतियों की है, बाबुओं की है। जब इस देश का प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को लिए बिना इस देश के उद्योगपतियों के साथ अर्थव्यवस्था सुधारने पर मीटिंग करे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनका सोच क्या है, उनका अप्रोच क्या है। दरअसल ये सरकार इस बार डर गई है, वो इस बार इसलिए नहीं डरी कि मुसलमान सड़क पर उतर आया, वो इसलिए डरी है कि पप्पू चव्हाण साहब उतर आए हैं सड़क पर, वो इसलिए डरी है कि आजाद साहब उतर आए हैं सड़क पर, वो इसलिए डरी है।